तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलदीप परमार हाजिर हूँ एक नई खबर एक नई कहानी लेकर आप सबके लिए। वो खबर नई नहीं होगी कि आपने सबने आज टेलीविज़न पर अपने मोबाइल पे सब देख लिया होगा, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप सब देशवासियों को मेरी तरफ से और हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू की तरफ से बधाई हो। बधाई इसलिए कि आज देश में एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। लगता है कि कुछ समय के लिए हमारे संविधान को और लोकतंत्र पे जो खतरा था वो टल गया है, क्योंकि अब सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार बैसाखियों के सहारे चलेगी, लेकिन चलाने वाले होंगे इनके सहयोगी, वो सहयोगी जो एक समय इन्हीं के इशारों पे नाचते थे और उनमें से कईयों को तो जेलों में भी डाला गया था इसी सरकार की तरफ से। लेकिन मजबूरियां होती हैं पॉलिटिक्स में, फिर हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन आज पहली बार बीजेपी को एहसास हुआ होगा कि आप सदा के लिए हुकूमत में नहीं रह सकते। आज से 10 दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि बीजेपी के लिए 273 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मैंने इशारा किया था कि 240 के करीब इनकी गिनती रह सकती है, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी चैनल का आंकलन आज तक के जितने सर्वे आए जितने क्यास लगे सब में से स्टीक निकला। हमने बात की थी कि बीजेपी को साउथ इंडिया में बड़ा हुंगारा नहीं मिलेगा, और साउथ इंडिया और बंगाल बिहार महाराष्ट्र और पंजाब की सीटें मिला के 272-273 होती हैं, इनमें से इनको 70 सीटों के करीब मिलेंगी और उतनी ही मिली है। इनका बंगाल में नुकसान हुआ, बिहार में नुकसान हुआ और महाराष्ट्र में जैसा हमने कहा था कि 18 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी और ज़्यादा नहीं आई हैं। बीजेपी का अपना बहुत नुकसान हुआ है, 28 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे महाराष्ट्र में और सिर्फ 11 पे जीते हैं, और कांग्रेस एक सीट से पिछली बार एक सीट मिली थी, अब 12 सीट लेके महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और उसके बाद बीजेपी की 11 सीटें और 10 सीट शिवसेना जो असली शिवसेना थी बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे उनका बेटा, उसकी पार्टी को मिली हैं, और जो छोड़ के गया था उसको कम सीटें मिली हैं। उसी तरह शरद पवार की ओरिजिनल एनसीपी 7 सीटें ले गई है, 29 सीट्स महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोधियों को मिली है। अब अंदाज़ा लगा लिए, जो हमने कहा था महाराष्ट्र के बारे में वो एकदम सही निकला है, जो बिहार के बारे में कहा, जो बंगाल के बारे में कहा, पंजाब के बारे में हमने 7 सीटें कांग्रेस को दी थी, 7 ही मिली हैं, हरियाणा में 5 कहीं थी, 5 मिली है। तो थोड़ा सा गड़बड़ कहीं हुआ तो वो उड़ीसा का हुआ, जहां कुछ जो आंकड़े जो आ रहे थे उनके खिलाफ कुछ वर्डिक्ट आई है, वो चलता है डेमोक्रेसी में। लेकिन जो हमारा मानना था कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकेगी वो सही निकला है, 400 का आंकड़ा फिर एक बार जुमला शामिल हुआ। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने उस दिन हमें धमकी भी दी थी, चैलेंज भी किया था कि हम आपकी जो भविष्यवाणी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत निकलेगी और आपको चैनल बंद करनी पड़ेगी। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि भक्त लोग को मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रैशनल लोगों से बात करता हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना आपकी मजबूरी है। आपने चैनल देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, लेकिन
हकीकत को पहचानो। ये बहुत बड़ी चोट आपको हिंदुस्तान की जनता ने मारी है। 400 तो छोड़ो, आपको 300 नहीं मिली, 250 नहीं मिली, अब 240 पे सिमट के रह गए हो। जो आंकड़ा हमने बताया था कि 240 से ऊपर सीट आने का कोई चांस नहीं लगता है, हमने कहा था उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा, लेकिन हमारे आंकड़े के मुताबिक तभी भी बोला था कि 50 से ज़्यादा सीट बीजेपी को नहीं आएंगी, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में 34 पे सिमट गई है। जम्मू का 2 सीटें इनको मिली, कश्मीर में जो कहते थे 370 खत्म होने से हमारा दबदबा बन जाएगा, कश्मीर में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया था। वहाँ से लद्दाख की सीट इंडिपेंडेंट ने जीती और कश्मीर की दोनों सीटें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। हर जगह पे आपका नुकसान हुआ है, फिर भी आप कहते हो हमारी जीत है। जीत तो उन 56 लोगों की है जो 296 240 आपके, 56 बाहर के। वो 56 इंच का सीना अब वो 56 MPs का हो गया है, आपका नहीं रहा, ये बात मान के चलिए। और वो सहयोगी हैं कौन? TDP के चंद्रशेखर बाबू, दूसरे बिहार के नीतीश कुमार महापलटीबाज, तीसरे रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जो 5 सीटें लेके गया है। ये आपके 3 बड़े हराई हैं। असम में आपको नुकसान हुआ, कांग्रेस वहाँ भी 4 सीटें ले गई, और नॉर्थ ईस्ट में आपका नुकसान हुआ, फिर भी आप कहते हो हम जीत गए। लेकिन फिर भी आप बधाई के पात्र हो कि आज के दिन आप सरकार बनाने के लिए कामयाब हो गए हो, क्योंकि 56 सहयोगी आपके साथ हैं। अब आप सरकार चलाओगे, उन 56 लोगों के बलबूते पे चलाओगे। ये सरकार आपकी नहीं, उन 56 लोगों की है। जिस दिन कहीं आपने कोई नाटक किया, ड्रामा किया, वो आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। उनमें से एक पार्टी भी छोड़ के चली गई, आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आप जो इतने बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब की बार 400 के पार, आप तो 250 के पार भी नहीं जा सके यार। तो कहीं ना कहीं अपनी अकड़ छोड़ दो। ये जनता बहुत बलवान है, ये देश बहुत बड़ा है, आप हम सब देश के सामने बहुत छोटे हैं। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। फूल झड़ियाँ चला लो, बम फोड़ दो, पटाखे चलाओ, खुशियाँ मनाओ, आपकी जीत नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। ये जीत इस देश के लोगों की है जिन्होंने आपको डिक्टेटर बनने से रोका। उन लोगों की जीत है जिन्होंने संविधान को बचाया। उन लोगों की जीत है जिन्होंने लोकतंत्र बचाया। ये डेमोक्रेटिक ख्याल धारा विचारधारा रखने वाले लोगों की जीत है। और इसके साथ साथ ये आप जैसी दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चलती थी, उसकी बहुत बड़ी बुरी हालत हुई है। पंजाब में उनकी सरकार है, 2.5 साल से चल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13 की 13 सीट जीतने का ऐलान किया था, जैसे बीजेपी ने 400 के पार का ऐलान किया था, लेकिन 3 सीटों पर सिमट कर रह गए। दिल्ली में इनकी सरकार है, 1 भी सीट वहाँ से नहीं जीत सके। अंदाजा लगा लो आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम आपको बता सकते हैं अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, इतने साल इन लोगों के साथ उठ बैठ के बिचर के। बहुत यार दोस्त रहे हैं मेरे, जनसंघ से लेके BJP तक। मैं कई बार उनके नाम भी आपको गिना चुका हूँ। हर पार्टी में यार दोस्त रहे हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।
अब कोशिश की जाएगी पंजाब में आम आदमी पार्टी को गिराने की और जल्दी कवायद शुरू होगी। इसका इशारा हमारे गृह मंत्री माननीय श्री, आपको मालूम है सब, अमित शाह जी दे चुके हैं पंजाब की रैली में लुधियाना में कि ये सरकार ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान दिया था उन्होंने कि कांग्रेस के पास जो 40 सीटें हैं वो भी नहीं आएंगी। भूल जाए कांग्रेस कि 40 से ज़्यादा सीटें आएंगी जो पिछली बार थी, और दूसरे किसी के बारे में बोल रहा था पता नहीं 4 सीट नहीं आएगी। बहुत मुखौल उड़ा के गए थे लेकिन आज खुद माहौल मखौल बन गया। तो दोस्तों ये जनता को कभी भी कुछ मत समझो। हाँ, इन्होंने कहा था अखिलेश यादव के बारे में कि उत्तर प्रदेश में उसको 4 सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन वो आदमी देखो 37 सीटें ले गया वहाँ से, बीजेपी से ज़्यादा वो अकेला आदमी ले गया। और गठबंधन वहाँ पे 62 सीटों में से 34 सीट मिली हैं बीजेपी को, आधी रह गई तकरीबन, 32 होती तो आधी रह जानी थी। बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके हार गए और अभी भी तकरीबन 270 रिजल्ट ऑफिशियली आने बाकी हैं। हो सकता है उनमें 2-4 सीट और बीजेपी की बढ़ जाए या घट जाए। तो दोस्तों ये है आज के दिन का सिनेरियो। अभी कर्नाटक की सरकार को एक बार फिर गिराने की कोशिश की जाएगी, पंजाब की सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी, उड़ीसा में तो अपनी सरकार वो तोड़ फोड़ करके बना ही लेंगे, बंगाल की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी डेमोक्रेसी ओवरऑल देश के लिए तो मरने से बच गई है, लेकिन इन राज्यों में जख्मी होने के चांसेस अभी भी लोकतंत्र के हैं। लेकिन अब हौसला इस बात का है कि अगर ऐसी कोई हरकत बीजेपी करती है तो उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 2 साल से ज़्यादा चलेगी। वैसे भी 2 साल तक नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो चुकी होगी और उनको भी मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। वो शायद खुद भी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार उनके बगैर कोई सरकार चले, शायद तब तक ये सरकार गिर जाए और देश में एक बार फिर अराजकता का माहौल आए। लेकिन आप लोग जागरूक हैं, जहाँ जहाँ आपने डेमोक्रेसी का खून करने की कोशिश की वहाँ वहाँ से आपको तगड़ी मार पड़ी। पंजाब में 1 सीट बीजेपी को नहीं मिली, खाता नहीं खोला, लेकिन हाँ हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वोट शेयर बीजेपी को बहुत अच्छा पंजाब में मिला। अब इनकी तैयारी होगी जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा के असेंबली इलेक्शन कराए जाएं ताकि अच्छी खासी सीटें बीजेपी पंजाब से ले सके। जो पोलराइजेशन हिंदू सिख का आज तक पंजाब में कभी नहीं हुआ था वो बीजेपी ने इस इलेक्शन में कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की कुर्सी खतरे में है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में और गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले गए, ये कभी भी हो सकता है। हरियाणा में बदला गया मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आने वाला समय भी कोई इतना आसान नहीं है। ये तिकड़मबाजियाँ पॉलिटिकल चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हौसला है कि अब बीजेपी की डिक्टेटरशिप उतने ज़ोर शोर से नहीं चलेगी जैसे पहले चलती थी। अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी थोड़ा हौसला मिलेगा।
हमारी आर्म फोर्सेस को हौसला मिलेगा, हमारे मीडिया को, प्रेस को, जो एकदम लाचार हो गया था, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस, वो थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, कुछ सच की, हक की, इंसाफ की आवाज़ निकलेगी। लेकिन फिर भी मैं सबको बधाई देता हूँ कि 240 सीट ले जाना भी कोई आसान काम नहीं होता। आप इतनी लेके गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। अब अपने सहयोगियों के साथ बना के रखिए, उनको छोटा मत दिखाइए, उनकी इज्जत करना सीखिए, पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाल के, उनकी बदनामी करके, उनका नाम खराब करके, उनको दागी करके, आप धक्केशाही से सरकार नहीं चला सकते। वो दौर गया, इसलिए मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी की जीत है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत खुश हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करना था। और हमने जो सर्वे किया था, तब जब पूरा मीडिया, पूरा सट्टा बाजार, पूरा स्टॉक एक्सचेंज इस बात पे लगा हुआ था कि 400 के पार बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आज मजबूर हैं, आधे तक भी नहीं पहुंच सके पार्लियामेंट के। तो ये अभी उनके पतन की शुरुआत है। ऐसा ऐसा आने वाले दिनों में, ये मेरा जो आज का कहा है, मैंने 10 दिन पहले भी कहा था कि आप कहीं नोट करके रख लो जो बात हम कर रहे हैं, अगर आपने याद होगा तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा सब जो विश्लेषण था, जो एनालिसिस था, वो बिल्कुल सही निकला है। आने वाले दिनों में इसी तरह आपका भरोसा साथ लेके आपके साथ जुड़े रहेंगे, देश के साथ जुड़ी हर घटना, हर कर्म, उसके साथ चलना, उसको रिपोर्ट करना हमारा परम धर्म है। ये हमारा धर्म हमने बातें रहेंगे, वो डरने वरने वाली बात कोई नहीं है। चमचागिरी कभी किसी की ज़िंदगी में की नहीं, जो लोग चमचागिरी करते हैं उनको थोड़ी अकल आनी चाहिए। और बिना मतलब जो दूसरे अपने विरोधियों को ट्रोल करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, भाषा पे कंट्रोल नहीं रखते, वो अभी थोड़ा सा सुधर जाओ, अब भी वक्त है। अच्छे काम करोगे, दूसरों की इज्जत करने सीखोगे, तो शायद एक बार और इस देश के लोग आपको सत्ता की चाबी दे दें। लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो आप इसके नीचे नीचे ही जाओगे, ऊपर आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।